तो आज हम आए हुए हैं अपने भैंसे के लिए घास लेने के लिए। जैसे कि हमारा भैंसा वो बंध रहा है सामने, और मैं अभी तुम्हें भैंसा भी दिखाऊंगा बैक कैमरे से। उससे पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा भुंटों की खेती और बैगन की खेती। और जैसे कि ये ईख है हमारी, नहीं है मतलब हमारे गांव में है ईख, हमारी कोई ईख ही नहीं है भाई, खेती नहीं है हमारा, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, ये छोटी सी वीडियो है हमारी, ये आप तक पहुँचाने का थोड़ी मैं कोशिश करता हूँ। चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से भुंटे की खेती और बैगन की खेती। और जो डंगर हम लाए हैं उसके लिए घास छीलना है, हमें छील रहे हैं और मतलब उसको चुगा भी रहे हैं। तो फ्रेंड ठीक है, चल देखते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा भैंसा जिसकी हम सेवा कर रहे हैं काफ़ी दिन से, और उधर कुछ लोग छील रहे हैं घास उस सामने यहाँ पर, अभी मैं जाऊँगा। ये रही हमारी बैगन की खेती, मतलब हमारी नहीं, ये देखो छोटे छोटे बैगन हैं, ये बैगन पकते हैं, भरमा बैगन पकते हैं, ये कितने अच्छे लग रहे हैं ये बैगन, ये देखिए आप, ये बैगन हैं, कितने छोटे छोटे हैं ये बैगन, ये देखिए बैगन हैं ये छोटे छोटे, ये पेड़ों में हैं, ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बैगन हैं ये बैगन हैं, ये सब, ये दूर तक खेती ये सब बैगनों की है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक। और ये रही हमारी भुंटों की खेती, ये रही हमारी नहीं मतलब हमारे गांव में है, ये है हमारी भुंटों की खेती। कुछ भुंटे यहाँ से जो पक रहे थे वो काट भी लिए हैं, और जो कच्चे हैं अभी वो ऐसी रहन दी हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, ये भुंटे कुछ ऐसे होते हैं, ये देखिए आप, ये हैं भुंटे, ये हैं भुंटे, इनकी पूंछें चमक रही हैं, देख सकते हैं आप, ये हैं भुंटे ऐसी, इस तरह से देखिए, ये भुंटे हैं, ये हैं भुंटे, ये भुंटे हैं सब, ये दूर तलक ये भुंटे आपको चमक रहे हैं, ये देखिए आप, ये देखिए। दरअसल पहले ये भिंडियों का खेत था, जैसे कि आप भी देख सकते हैं भिंडी है इसके अंदर, भिंडियों को ख़त्म करके तो भुंटे की खेती करी गई है यहाँ पर, ये देखिए आप। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से ये तोते ने खा लिया है, ये रखाने वाले रखाते हैं, अभी भैया हैं नहीं, हो सकता है आए, और अभी वो ज़ोर से चीखे मुझे देख के कि कौन है हमारी मक्का के अंदर। ये मक्का हमारी नहीं है, ये हमारे गाँव की भैया की है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं भुंटे, भुंटे पे एक पहेली भी है, जैसे बचपन में हमें लोग सुनाते थे एक पहेली, बताओ, हरी थी भरी थी लाला जी के बाग में दोशाला ओढ़े खड़ी थी। ये देख सकते हैं फ्रेंड आप, दूर तक ये खेती है, ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये देखिए आप। आइए चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर हम काट रहे हैं अपने कटरे के लिए, भैंसे के लिए मतलब घास, वहाँ का भी एक नज़ारा आपको छोटा सा दिखा देते हैं, बस थोड़ी देर की हमारी ये वीडियो है। ये देखिए ये तोते ने खा लिया है यहाँ पर, और ये भुंटा है ऐसा कुछ, ये देखिए तोते बहुत खा रहे हैं, इसको भी खा लिया है, जैसे कि तोते रखाने के लिए, ये देखो ये आधा भुंटा खा लिया है जैसे कि तोते ने, ये सब, ये तो आप देख ही रहे हैं खेती, जैसे कि ये है, ये देखिए ये बहुत तोते ने खा लिया है, इनका नुकसान बहुत कर रहे हैं तोते, ये देखिए। ये मैं भुंटे भुंटे के सीन ले रहा हूँ मैं, ये कुछ इस तरह से है, ये देखो ये तोते खा रहे हैं सब, ये भुंटे हैं, ये देखो ये सब भुंटे हैं, ये सब भुंटे हैं, ये देखो ये हैं भुंटे। और एक नज़ारा मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ, ये खेत कुछ किस तरह से है, ये खेत कुछ इस तरह से है, ये देखिए ये दूर तरह सब भुंटों की खेती है, ये सब, ये देखिए आप, ये फ्रेंड्स देख सकते हैं आप भुंटों की खेती, ये सब पेड़ गिर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी कटी हुई पड़ी है घास। और ये हैं कासिम बारसी, बड़ा एकदम एटीट्यूड में मुंह बनाते हुए, ये फ्रेंड ये बत्ती विभाग की घास मतलब चारा, कुछ ये कटी पड़ी है, कुछ ये है, ये देखिए आप,
और ये रही धान की खेती, ये रही धान की खेती कुछ इस तरह से है। दूर तलक धान है, ये दूर तलक जिसे बोलते हैं हम चावल शरबती के, ये शरबती के चावलों की खेती है दूर तलक।